दिनों रजिस्ट्री केंद्र में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि कम दरों पे, पिछले दरों पे उनका रजिस्ट्री हो सकता है। प्रदेश में भूपेश सरकार के नए फैसले के मुताबिक रजिस्ट्री शुल्क में करीब 5 गुना वृद्धि होने जा रही है, इसलिए 22 और 24 जुलाई को रजिस्ट्री दफ्तर में भारी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले लोग अपना काम, मकान, जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए रात तक जुटे रहे और एन वक्त पर रजिस्ट्री दफ्तर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन कट गया, जिससे बुधवार को भी काम ठप रहा। गौरतलब है कि सरकार ने जमीन मकान के बाजार मूल्य में 30% कटौती कर दी है और रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। जानकारों की माने तो रजिस्ट्री शुल्क पहले 0.1 था, लेकिन अब 4% तक वृद्धि की गई है। जाहिर है कि लोगों को अब 4 गुना अधिक रजिस्ट्री शुल्क देना होगा, जिसकी जानकारी लोगों को 3-4 दिन पहले हो चुकी थी, जिसके कारण वो पहले से अटके सौदे को तेजी से निपटाने के लिए लोग रात रात को रजिस्ट्री ऑफिस में डटे रहे। सरकार अपने इस फैसले से अपने पीठ थपथपाने से नहीं चुप रही है, लेकिन अब देखना होगा कि इस फैसले का जनता को कितना लाभ होगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत।